गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स ऑफ 8th क्लास, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ गेम, ठीक है। अब जैसे इंट्रोडक्शन में हम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द बॉल, अगर हम मान लो कि बॉल का मैच चल रहा है, ठीक है। अब एक बॉल का मैच चल रहा है, उसके अंदर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, जिसका जब मन कर रहा है कहीं से भी बॉल पकड़ रहा है, कहीं से भी गिर रहा है, कोई गोल वगैरह कुछ किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। जब तक रूल्स के साथ चलेंगे, चाहे आप कोई भी गेम ले लो, ठीक है, चाहे क्रिकेट है चाहे बॉल है, जब वो रूल्स के साथ खेली जाती है कि कब कब आउट हो गए, कितने हमने ओवर के अंदर वो करना है, ठीक है, तो वो तो सिस्टमेटिकली चलता है। लेकिन सपोज करो कोई भी है, चाहे वो क्रिकेट है या कोई भी गेम है, अगर उसके अंदर कोई रूल नहीं होगा तो जिसकी जब मर्जी होगी वो बॉल को उठा के चलेगा, जिसकी जब मर्जी होगी वो रन बना लेगा, तो क्या ये वो गेम ठीक तरह सक्सेसफुली पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा? टोटल बहुत कुछ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से जब हमने अपनी गवर्नमेंट को भी रन करना होता है, तो उसके लिए भी हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि हमारी गवर्नमेंट ठीक प्रॉपर वैसे ही रन कर सके, हमारा सारा सिस्टम ठीक सिस्टमेटिकली हम सारा काम कर सके। तो इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब देखो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? लॉ रिक्वायर्स टू गवर्न द सोसाइटी। अब एक पूरी की पूरी सोसाइटी को चलाने के लिए, जब एक गेम बिना रूल्स के नहीं चल सकती तो पूरी सोसाइटी कैसे चल सकती है? तो पूरी सोसाइटी को भी रन करने के लिए रूल्स की जरूरत पड़ती है। So the written document in which, so yahan there is a definition of the constitution. Constitution, what is constitution? A written document in which we find such rules. कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट की तरह है जिसके अंदर रिटन सब कुछ है, एक रिटन डॉक्यूमेंट की तरह है, इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच वी फाइंड द रूल्स, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं। जो भी हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो भी रूल्स हमारे देश में बने हुए हैं, वो सारे के सारे रिटन डॉक्यूमेंट की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक सेट ऑफ रूल्स बाय विच द गवर्नमेंट रन, जिससे हमारी गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती क्यों है। अब इसके लिए हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का आपस में रिलेशन क्या है। डेमोक्रेसी क्या है? कि हर किसी को हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, चाहे वो राइट ऑफ इक्वालिटी है, राइट ऑफ लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ वोट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे राइट किस में है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम सेफ हैं, क्योंकि वो संविधान के अंदर लिखे हुए हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो हम एक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री ठीक तरह से रन कर पाएगी, ठीक है। तो यहीं पर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिलेशन है, एक बहुत ही पक्का रिलेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे रूल्स लिखे हुए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, वो सारे नागरिकों को मिले हुए हैं, तभी तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स को राइट मिलते हैं। और वो सेफ गार्ड कैसे हैं, हम सेफ कैसे हैं उसके लिए, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो दोनों का आपस में रिलेशन है, ठीक है। अब देखो कि डेमोक्रेसी इट लेज आउट सर्टेन आइडिया दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री दैट वी आर सिटीजन एस्पायर टू लिव। अब जो रूल्स बनाए जाते हैं, कहते हैं ना कि रूल्स जो बनाए जाते हैं पब्लिक को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए, तभी तो कहता है कि हमारा संविधान लचीला भी है लेकिन कठोर भी है। कठोर कैसे? कि हम बार बार उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। लचीला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर ही नहीं सकते, अगर नेसेसिटी है, समय के साथ साथ जब डिमांड होती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं, जैसे समय की जरूरत होती है, ठीक है, तो उसमें हम चेंजेस करते हैं, इसीलिए हम उसको लचीला भी फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब देखो कि संविधान बनता कैसे है, लोगों की भलाई के लिए जो रूल बनाने बहुत जरूरी है, आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, उसी के हिसाब से रूल बनते हैं। कहते रूल जो होते हैं जनता के लिए होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इट लेज आउट द सर्टेन आइडिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री, जो हमारे कंट्री के बेसिस, हमारे कंट्री को चलाने के लिए बेसिक रूल्स होते हैं, दैट वी आर सिटीजन एस्पायर टू लिव, और वो हर सिटीजन एस्पायर भी करता है, उम्मीद भी होती है उसे कि जो हमारे सिटीजन्स की एस्पिरेशंस हैं, जो वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री ऐसी हो, उसी के मुताबिक सारे के सारे रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो आई होप यू गॉट द यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, ठीक
ठीक है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द आइडियाज वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ द सिटीजन. इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सेट ऑफ रूल्स की एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हर किसी के वैल्यूज हैं, ठीक है, और हर बिलीफ्स ऑफ सिटीजन्स हैं. एक नागरिक का विश्वास है कि हाँ हमारे मेरे को जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो मेरे संविधान में लिखे हुए हैं और मुझे पूरा हक है इन अधिकारों को इस्तेमाल करने का. तो लोगों का बिलीफ है, ठीक है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लोगों की बिलीफ के ऊपर है, लोगों की वैल्यू के ऊपर है. हर किसी को वैल्यू दी गई है, हर सिटीजन को वो वैल्यू दी गई, अपनी वैल्यू को वो समझता है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे स्टोरी ऑफ नेपाल. ये पूरा का पूरा था कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. अब देखो यहाँ पे हम केस देख रहे हैं नेपाल का. नेपाल में क्या हुआ, नेपाल का जो किंग था जरिंदर टेकिंग ओवर द डेमोक्रेटिक सेटअप. एक्चुअली नेपाल में क्या था, पहले डेमोक्रेटिक सेटअप था, ठीक है, डेमोक्रेटिक की तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह वहाँ पे सारा सिस्टम था. लेकिन जो वहाँ का राजा था कौन था, यरेंद्र, टेकिंग ओवर द डेमोक्रेटिक सेटअप. जब वो 1980 में आया तो उसने क्या किया कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप था वो सारा धीरे धीरे हटाता चला गया. जो लोगों को राइट मिल रहे थे सब उसने हटा दिए और अपने आप को डिक्टेटर की तरह सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली, ठीक है. अब क्या था, जब सारे की सारी पावर एक के हाथ में हो जाती है फिर हम उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जब पावर को शेयर नहीं कर रखा किसी भी तरह से, कोई सिस्टम ही नहीं है, लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है, तो उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहेंगे. तो वहाँ पर सिचुएशन खराब हो गई. क्या हुआ, जो कि इंजीनियर थे उसने डेमोक्रेटिक सेटअप खत्म कर दिया और 1980 में उसने अपने हाथ में सारा कुछ ले लिया, सारी पावर ले ली. अब इसका प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट आ गई. जब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सारा सिस्टम वहाँ पर खत्म हो गया, सारी पावर इंजीनियर ने अपने हाथ में ले ली किंग इंजीनियर ने, तो इसका सबने विरोध किया, ठीक है. किंग ने, आर्मी वालों ने किया, आम आदमी ने किया कि नहीं ये डिक्टेटर ये गलत है, आपने सारी पावर अपने हाथ में लिया, आम आदमी का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है. तो ये इसका सबने इसका अपोज किया, आर्मी ने भी और आम आदमी ने भी, बट एक्सेप्टेड गवर्नमेंट. लेकिन 2008 में क्या हुआ, किंग नरेंद्र ने इस बात को मान लिया कि पब्लिक खुश नहीं है, ये गलत है नेपाल के लिए, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, वापस से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप कर दिया 2008 में एंड बिकम डेमोक्रेटिक, और फिर वापस से वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश हो गई. तो इस केस को देखने के बाद हम कहते हैं कि वाकई में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर हम उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट देन द अदर गवर्नमेंट्स, क्योंकि इसी के अंदर हमारे जो नागरिक हैं उनको हर तरह के फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जिससे वो अपना अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं, ठीक है. और ये सब कुछ किस में है, ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखा हुआ है. दैट इज़ वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज़ द बेसिक जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसकी मान्यता कहाँ है, क्योंकि वो संविधान में लिखे हुए हैं, हमारे देश के कानून उसके ऊपर बना हुआ है कि कानूनी तौर पर हमें मान्यता मिल गई इन अधिकारों की. तो इसीलिए दैट इज़ वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट. टमोरो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. थैंक यू.